हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट यूजी 2021 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जो भी स्टूडेंट्स नीट यूजी 2021 की काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, तो गाइस स्टूडेंट्स का बस एक ही क्वेश्चन है कि आखिर कब होगी नीट 2021 की काउंसलिंग और ये कब स्टार्ट होने वाली है, कब से हम अप्लाई कर सकते हैं, कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाली हूँ, नीट यूजी 2021 फिर से एक बार कोर्ट केस में है, ठीक है। तो कोर्ट का क्या फाइनल डिसीजन आता है, क्यों कोर्ट केस में है, कब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, ये पूरा आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट यूजी 2021 की काउंसलिंग से रिलेटेड की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो गाइस नीट यूजी 2021 आप सभी को पता है काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है, और सिर्फ किस वजह से डिले हो रहा है, कोर्ट के अंदर केसेस बार बार में नीट यूजी के लिए जा रहे हैं, कभी रिजल्ट को लेकर, फिर रिजल्ट टाइम पर जब अनाउंस हो गया तो उसके बाद जो काउंसलिंग को लेकर, और काउंसलिंग इतनी ज़्यादा डिले होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का अब फाइनल डिसीजन आया था, लेकिन गाइस जब फिर से बोला जा रहा है कि नीट पीजी की काउंसलिंग तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन नीट यूजी की काउंसलिंग से रिलेटेड ना कोई ऑफिशियल नोटिस है, ना कोई अपडेट है, ना किसी के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। तो अभी नीट यूजी के लिए यही बोला जा रहा है कि नीट यूजी 2021 वापस से कोर्ट में फंसा हुआ है, ठीक है। बार बार कभी हाई कोर्ट में, कभी सुप्रीम कोर्ट में केस चलने की वजह से, पेटिशन की वजह से जो नीट की काउंसलिंग है गाइज वो स्टार्ट नहीं हो पा रही है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का नुकसान हो रहा है, और एक्चुअल में ये पेटिशन डालने वाले भी तो कौन है, ये भी तो स्टूडेंट्स ही है, ठीक है। तो नीट की काउंसलिंग वैसे जल्द से जल्द ही स्टार्ट की जाएगी, क्योंकि अकेडमिक सेशन का काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुका है। 2021 से 22 का जो अकेडमिक ईयर था, 2021 का जा चुका है, अब 2022 जो मार्च अप्रैल में बोला जाता है कि पूरा जैसे सेशन ही कंप्लीट हो गया, लेकिन गाइस मार्च अप्रैल से तो जिस हिसाब से प्रोसेसिंग चल रही है नीट यूजी काउंसलिंग की, उस अकॉर्डिंग लग रहा है कि बैचेज ही मुश्किल से स्टार्ट होंगे। और जब मार्च अप्रैल से बैचेज स्टार्ट होंगे, तो सितंबर अक्टूबर से 2022 से 23 के बैचेज स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे। तो क्या दोनों बैचेज एक साथ होंगे? तो गाइस इस बार ऐसा ही कुछ होने वाला है कि दोनों बैचेज एक साथ बैठने वाले हैं। तो देखिए होता क्या है अब, क्योंकि अगर ये इतना ज़्यादा डिले हो रहा है, इसका मतलब जो नेक्स्ट ईयर की काउंसलिंग होगी वो भी ज़्यादा डिले होगी, और अगर वो भी ज़्यादा डिले हो रही है, इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स का इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है कि एक अकेडमिक सेशन ही गायब हो जाएगा बीच से, ठीक है। तो गाइस जैसे ही कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आती है नीट यूजी 2021 की काउंसलिंग को लेकर, आपको इस चैनल के ऊपर अवेलेबल मिलेगी। तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर टाइप की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, किसी भी इन्फॉर्मेशन से आप वंचित ना रहे। तो गाइस जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।